हेलो गाइस, मैं पूजा और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो करें जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो इस बार का जो बिग बॉस होने वाला है, बिग बॉस 14, वो बिगर और बेटर होने वाला है ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस आपको इस बार बिग बॉस में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार का बिग बॉस जो है, जिसमें जो है सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे और आम आदमी की भी एंट्री होंगी, वो भी कोरोना वॉरियर्स की, जो कि जिसने कोरोना से पे जीत पाई हो, कोई भी हो सकता है, डॉक्टर या फिर जो उससे उभर के आए हैं, कोई भी वो हो सकता है। और बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार का बिग बॉस। लेकिन अब एक और मैं खास बात आपको बता दी हूँ कि इस बार का बिग बॉस थोड़ा सा पिछले सीजन से अलग होने वाला है। अब तक हमने जितने भी सीजन देखे हैं, सीज़न 13 की बात करें तो इतना ज़्यादा सक्सेस मिला सीज़न 13 को, इससे पहले बिग बॉस के इतिहास में सीज़न 13 जैसा कोई सीज़न नहीं बना। और इस बार का जो बिग बॉस है वो कैसे अलग है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरीके से अभी लॉकडाउन है, जिस तरीके का माहौल है, सिचुएशन है, जिस वजह से लॉकडाउन चालू है, और इसी थीम को लेकर अब बिग बॉस के घर में भी यही थीम आपको देखने को मिला गया, जिसमें लॉकडाउन वाला जो पूरा सिचुएशन है वो बिग बॉस के घर के अंदर आपको दिखने मिलेगा। जो कंटेस्टेंट हो रहेंगे उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, जो भी जितने भी टास्क वगैरह ड्रामा जो भी है वो सोशल डिस्टेंसिंग में वो करके बिग बॉस के घर में वो अंदर रहेंगे। और ख़ास बात ये है कि इस बार जो कंटेस्टेंट है वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान यानी कि मोबाइल वगैरह जो भी है वो घर के अंदर लेकर जा सकते हैं। इससे पहले हमने किस तरीके से देखा है कि आप बाहर का न्यूज़ भी आप नहीं जान सकते बिग बॉस के घर के अंदर, लेकिन इस बार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बाहर की खबर भी जान सकते हैं और घर के अंदर मोबाइल भी लेकर जा सकते हैं, साथ ही घर के अंदर आप ब्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार का बिग बॉस। वही सलमान खान को लेकर अगर बात की जाए तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि सलमान खान ने इस सीज़न को लेकर अपनी फ़ीस भी जो है वो इंक्रीज़ कर दी है, हाइक कर ली है अपनी फ़ीस। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान इस सीज़न में नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे, जिस तरीके से भी पूरा माहौल चल रहा है उसको लेकर। वहीं अगर कंटेस्टेंट के रिगार्डिंग बात करें तो बहुत सारे कंटेस्टेंट को अप्रोच किया गया था इसमें, जो है जो निया शर्मा है उनको अप्रोच किया, और हमने इससे पहले विवान को आप जानते होंगे जो कि अस्तित्व एक एहसास की सीरियल आता था, उसमें एज अ लीड में नज़र आए थे, वो इस सीज़न में दिख सकते हैं, उनको भी अप्रोच किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अध्ययन सुमन जो कि शेखर सुमन के बेटे हैं, और उन्होंने उनके रिगार्डिंग ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि उनको भी अप्रोच किया गया है इस सीज़न को लेकर, लेकिन उन्होंने ये चीज़ को साफ इनकार कर दिया है, डिनाई कर दिया है। आप देख सकते हैं अध्ययन ने ये ट्वीट किया है, क्या कुछ लिखते हैं अध्ययन। फॉल्स न्यूज़ फॉर मी बींग अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, थैंक्स बट नो थैंक्स, डिसरिस्पेक्टफुल टू से द लीस्ट, हैशटैग बिग बॉस एट द रेट कलर्स टीवी, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस रिगार्ड्स। तो इस तरीके से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया है कि ये चीज़ जो इतनी न्यूज़ आ रही है कि मैं बिग बॉस के घर के अंदर जाने वाला हूँ, ये सारी कम्प्लीटली फॉल्स है, कुछ भी आप लिखने से पहले एक बार आप कन्फर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अध्ययन सुमन ने ट्वीट किया है। लेकिन इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस बिग बॉस को लेकर, और क्या लगता है कि इस बार का बिग बॉस कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर।